हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कैक्टस के विषय में आपको चार गोल्डन सूत्र बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका जो है कैक्टस, आप जैसा आप जानते हैं कि ये हार्ट की रेमेडी है, लेकिन हार्ट की रेमेडी में तब काम करती है जब किसी को ब्लड प्रेशर डाउन रहे, लो प्रेशर रहे, सुस्ती आ जाए, डिजनेस रहे, इसके अलावा जो है एंजाइना का दर्द हो। तो अगर दो चीज़ तो मेन है, एक तो कार्डिक स्टिमुलेंट है और जो है प्रेशर की टेंडेंसी लो है, या किसी का प्रेशर अचानक से डाउन हो गया और जो है चेस्ट में दर्द हो गया। याद रखिए, लो प्रेशर, एंजाइना, अगर ये दो सिम्टम मिलता है तो आपको कैक्टस मदर टिंचर में नहीं लेकर, अगर आप कैक्टस 30 5-5 बूंद करके दिन में 3 बार या 3-3 घंटा अगर लेते हैं तो आपका प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा, आपका एंजाइना का पेन भी नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है कि मान लीजिए किसी को निमोनिया हो गया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो निमोनिया के केस में मान लीजिए ब्लड वोमिटिंग हो गई, तो ब्लड वोमिटिंग हो गई तो डॉक्टर हेरिंग के अनुसार ये जो कैक्टस 30 रामबाण दवाई है। अगर निमोनिया के केस में ब्लड वोमिटिंग हो रही है तो आप जो कैक्टस 5-5 बूंद करके आधे घंटे में अगर 3-4 बार देंगे तो पेशेंट को अगर निमोनिया है और ब्लड वोमिटिंग हो गई है तो उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बशर्ते कि ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन उनका जो ब्लड वोमिटिंग हो जा रहा है ये प्रॉब्लम उनकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है, फीमेल पर है, अगर किसी फीमेल को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और ब्लीडिंग में अगर थक्का थक्का खून निकलता है, जिसको बोलते हैं क्लॉटिंग, अगर जो है ब्लीडिंग हो रही है और क्लॉटिंग भी हो रही है तो आप जो है आँख बंद करके कैक्टस 30 पावर में 5-5 बूंद करके दिन में 3-4 बार दीजिए, फीमेल का जो है ब्लीडिंग भी ठीक हो जाएगी, ब्लीडिंग तुरंत स्टॉप हो जाएगी और जो थक्का थक्का ब्लड निकलता है ये भी हर आदमी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला गोल्डन सिम्टम यह है और बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन सिम्टम है कि इसमें ऐसा फील होता है कि पूरा शरीर जो है, पूरा बॉडी जो है एक तार से जो है ट्विस्टेड हो गया है, माने आपको लगेगा कि हमारा शरीर जो है पूरे तार से जो लिपटा हुआ है, इस तरह का फीलिंग आती है। ऐसा कभी कभी हार्ट के प्रॉब्लम होती है तो अगर ऐसा सिम्टम रहे तो आप जो है कैक्टस 30 5-5 बूंद करके दिन में 3-4 बार लीजिए, आपकी ये फीलिंग ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला और अंतिम गोल्डन सिम्टम हमारे लिए है कि अगर किसी को पेट में गैस हो गई है और गैस से उसको डिजीनेस हो गया है, जो कि उसके बाद सांस की तकलीफ होने लगी, तो सब लोग जो है कार्बोवेज देते हैं, लाइकोपोडियम देते हैं और नक्सभूमिका देते हैं, लेकिन अगर पेट में गैस हो जा रही है उससे आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है और डिजीनेस हो गया है, आपको सुस्ती आ गई है, आप जो है आँख बंद करके कैक्टस 30 5-5 बंद करके आधे घंटे में दीजिए, जो पेट में गैस बन गई है ये भी ठीक हो जाएगा, आपका डिजीनेस भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको कैक्टस के विषय में कुछ गोल्डन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट है drpstwari.com। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, नमस्कार।